देश में कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन जारी है और सरकार लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। सरकार की लाख अपीलों के बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ताजा मामला अलीगढ़ के निमड़ी गांव का है, जहां लॉकडाउन के दौरान गाय की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गयी। हालांकि जब शव यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने शव यात्रा में शामिल हुए करीब 10 लोगों को नामजद करते हुए 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकारी छुट्टी हुई गाय थी, ये 20 साल से रह रही थी गांव में। उसके बाद में जब खत्म होगी मेरे दरवाजे के तो मैं ऐसे ले करके गया और वहाँ पीछे पीछे जनता गई थी। अच्छा, तो ये कितने कितने लोग थे जो आपके इसमें शव यात्रा में शामिल हुए? अब ऐसे तो मैंने नहीं देखा कितने लोग थे, मुझे क्या असल थी। अंदाजन कितने थे? अंदाजे में तो कितने भी हों, 40 हों, 50 हों, ऐसे होंगे। तो पुलिस द्वारा जो 150 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्या मानते हैं आप? अभी तो इसमें कोई नहीं मान रही है, ना हमारे पास पुलिस आई है। अपने आप उसने जो किया है उसका निस्तारण होगा, जाँच होगी फिर। तो ये आपने गाय की शव यात्रा निकाली थी? ना, हम तो अपने घर से उठा करके बम्बा पे लेके गए। उसके बाद में क्या किया आप? उसको दफना कर अपने घर आ गए हैं। शाम को सलपरिया के ऐसे वो हो गई है। 20 साल से गाय यहीं रहती थी गांव में, और जंगल कभी जाती थी, घर घर से रोटी मांग के खाती थी। बूढ़ी हो गई तो हम छोड़ दिया, तो 10-20 आदमी ने उसको दफना दिया जाकर। आप जिस तरीके से 10-20 आदमी की बात कर रहे हैं, पुलिस के मुताबिक 150 लोगों पर मुकदमा हुआ है। पुलिस तो 500 लिखते, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये तो आप जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो इतनी तादाद में लोग नहीं इकट्ठा होने चाहिए। अरे ये बताइए, एक मोहल्ले में कितने आदमी इकट्ठे हो सकते हैं? पुलिस तो 150 बता ही रही है, पुलिस थी यहाँ। तो जिस तरीके से पुलिस ने करीब 150 लोगों का मुकदमा किया, क्या मानते हैं? अरे ये तो बकवास है, सब ठीक है। भले ही ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हूँ, लेकिन लॉकडाउन के दौरान शव यात्रा निकालकर ग्रामीणों ने नियमों का उल्लंघन ही किया। अब देखना होगा कि पुलिस उस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।